everyone, welcome to our channel EME Technologies. Subscribe our channel and hit the bell icon for latest updates. This is the best time to make yourself productive. So feel free to contact us for industrial training and summer training for ultra productivity and peak performance. Hi guys, this is Ankur from EME Technologies और आज हम बात करेंगे Python में lists के बारे में। हमने data types वाले वीडियो में पहले ही lists के बारे में बात की थी, लेकिन अब इस वीडियो में हम और डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम PyCharm में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसमें दो फाइल्स बनाएंगे, main.py और एक टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि सबसे पहले लिस्ट के बारे में बात करेंगे। लिस्ट क्या है? एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है और ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट में जो डेटा हो वो सारा होमोजेनियस हो, राइट? तो और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि फंक्शंस कौन कौन से हम लिस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ एक, राइट? पहला नाम लिखता हूँ अंकुर, सेकंड इज अरुण, थर्ड इज भावनाथ, फोर्थ इज, ये हमारी लिस्ट बन चुकी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन कौन से फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं लिस्ट पे, और उससे पहले मैं आपको एक लिस्ट की आइटम्स प्रिंट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिंगल आइटम प्रिंट करनी है तो कैसे करते हैं? अगर सिंगल आइटम प्रिंट करनी है तो प्रिंट में सिर्फ लिस्ट और उसका इंडेक्स, और ये चीज़ आपको देखिए पहला वर्ड जो है अंकुर, ये प्रिंट करके दे रहा है। और अगर आपको इसमें अब रेंज प्रिंट करनी है, रेंज नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि ये पहले कीवर्ड है, तो अगर आपको मल्टीपल आइटम्स प्रिंट करनी है तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं सेम प्रिंट वाला, और इसमें आप रेंज दे सकते हैं 0 से लेके 2 तक। तो 0 और 1 प्रिंट होंगे, जैसे कि आपको पता पाइथन में ये 2 वाला प्रिंट नहीं होगा, इंडेक्स 0 से 1 प्रिंट होंगे। तो आप देख सकते हैं, और ये वाली को मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि इसका आउटपुट आए। तो ये देखिए अंकुर और अरुण, ये दो आउटपुट आ रहे हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक आइटम को डिलीट कैसे करें, राइट? ओके, सो डिलीट एन आइटम फ्रॉम लिस्ट। तो अब मैं आपको आइटम से एक लिस्ट से एक आइटम डिलीट करके बताता हूँ। होगा डिलीट फंक्शन यूज़ होगा एंड लिस्ट को हम एक एलिमेंट पास करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 पे है अंकुर, 1 पे है अरुण, 2 पे है भावना, एंड मैं 0 एलिमेंट डिलीट करता हूँ और फिर उसके बाद लिस्ट प्रिंट करता हूँ। आप देख सकते हैं अब सिर्फ अरुण और भावना है लिस्ट में, और अंकुर वाली आइटम जो है वो डिलीट हो चुकी है। सो ये था एक लिस्ट से आइटम कैसे डिलीट करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे फंक्शंस जो हम लिस्ट के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि गेट मैक्सिमम वैल्यू, राइट? मैक्स फंक्शन इसके लिए यूज़ होता है, और मैक्स फंक्शन में आप लिस्ट पास करते हो और फिर ओके, हम इस मैक्स फंक्शन को पास करेंगे प्रिंट फंक्शन में एंड रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भावना आइटम है ये सबसे ज़्यादा, ये तो आपको लगेगा कि अब ये कैसे मैक्सिमम गन मतलब गेट कर रहा है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स स्ट्रिंग हैं। तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एलिमेंट है ए, सेकंड एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है ए से, और थर्ड वाला हो रहा है बी से। तो ये अल्फाबेटिकली मैक्सिमम वैल्यू बी वाले लेटर की दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेड, अब मेरे हिसाब से
ये जेड वाला आना चाहिए, देखिए ये जेड वाला आउटपुट आ रहा है। तो अगर ये इंटीजर्स नहीं है या नंबर्स नहीं है, तो अगर ये स्ट्रिंग है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करता है और कौन सबसे पहले आने वाला है वो चेक करता है। अगर मैं एक और लिस्ट बनाऊँ, लिस्ट टू, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज रखूँ और फिर यहाँ पे लिस्ट टू पास करूँ, आप देख सकते हैं 8 वैल्यू जो है सबसे मैक्सिमम है, तो ये वाला आउटपुट दिखा रहा है वो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे जाएंगे जो है गेट लेंथ ऑफ अ लिस्ट। सो अब हम प्रिंट करेंगे लेंथ ऑफ लिस्ट। सो लिस्ट वन है जो हमारी, उसकी लेंथ में प्रिंट कर रहा हूँ, यह है 3, 0, 1, 2, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, और फंक्शंस हैं ऐसे जो कि हम लिस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगला है, ओके, अगला फंक्शन है मेक लिस्ट फ्रॉम टपल। दिस इज टपल एंड इसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 3। ओके, सो अब आपको पता है कि मर्टल टपल जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। तो मैं लिस्ट बनाता हूँ इससे, लिस्ट टपल एंड इसको प्रिंट करा। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या एरर आया है इसमें। ओके, तो वो एरर इसलिए आया था कि हमने ये प्रिंट फंक्शन को, ये जो नाम ऊपर रखे थे वो लिस्ट रखा हुआ था और वो कीवर्ड था ऑलरेडी, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट फंक्शन को टपल वेरिएबल पास कर रहा हूँ और ये क्या लिस्ट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा जो कि इस टपल से जनरेटेड होगी। तो मैं अब ये प्रिंट करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको टपल प्रिंट करके दिखाता हूँ। टपल वन प्रिंट करता हूँ, फिर उसके बाद जो लिस्ट में बनी होगी वो प्रिंट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं टपल में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं और लिस्ट में ये राउंड टपल में ये राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं और लिस्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम कौन कौन से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ कि एक अपेंड फंक्शन है जिसको हम कहते हैं लिस्ट वन डॉट अपेंड एंड डैट इज लाइक क्यू यू ई आर टी वाई। तो आप देखेंगे कि, और मैं बाद में इसको अपेंड करने के बाद ये प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट वन। तो अब एक आइटम जो है उसके साथ ऐड हो जाएगी जो कि कोटी होगी। अपेंड मतलब कि लास्ट में ऐड करना, राइट। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड आगे हम बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है काउंट। जैसे कि नाम से ही पता है, तो ये काउंट करेगा कि ये एलिमेंट कितनी बार आया। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं इस लिस्ट वन में अंकुर, फिर दोबारा से लिख देता हूँ अंकुर, और फिर दोबारा से लिख देता हूँ अंकुर, तो ये काउंट करेगा कि अंकुर कितनी बार आया इस लिस्ट में। ओके, सो ये एक्चुअली काउंट फंक्शन एक ऑब्जेक्ट लेता है और हम देखते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें, क्यों नहीं चल रहा है। तो अब एक्चुअली दिक्कत यह है कि हम इसको कहीं प्रिंट नहीं कर रहे हैं। तो जस्ट अ सेकंड, अब हम इसको, ये लिस्ट टू ही है, राइट, लिस्ट वन है, लिस्ट वन काउंट ए को हम प्रिंट करते हैं, तब हमें पता लगेगा कि कितना आउटपुट आ रहा है। देख सकते हैं 0। अब हम देखते हैं कि ओके, लिस्ट नहीं लगानी है, सिर्फ एक वेरिएबल चेक करना है। अब हम करते हैं प्रिंट 3 times। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 times अंकुर आ रहा है। तो ये था काउंट वाला फंक्शन एंड ओके। सो अब हम देखते हैं कि लिस्ट को रिवर्स कैसे करना है। तो मेरी लिस्ट है लिस्ट वन डॉट रिवर्स और मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट वन। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि
ये जो है लिस्ट पूरी जैसे मैंने लिखी हुई थी जिस पैटर्न में उससे रिटर्न हो गई है, ये सेकंड था तो अब ये देखते हैं सेकंड लास्ट हो गया है अर्निंग वाले कीवर्ड, ऐसे हम लिस्ट रिवर्स कर सकते हैं। तो अब हम एक और चीज़ देखते हैं इंसर्ट। ओके तो अब इंसर्ट कैसे करते हैं, जैसे कि लिस्ट वन डॉट इंसर्ट, तो फर्स्ट आइटम होगी कि कौन से इंडेक्स पे डालना है, मैं कहता हूँ कि सबसे आगे डालो एंड द ऑब्जेक्ट विल बी जेड जेड जेड। तो और लिस्ट प्रिंट करा देते हैं एंड लिस्ट वन, अब हम रन करते हैं तो आप देखिए कि ये इंसर्ट हो गया है ज़ीरो इंडेक्स पे, और ऐसे आप किसी भी इंडेक्स पे इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा एंड थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।